हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चेतक ईवी के बारे में। भाई चेतक यहां पे आ चुके हैं राउरकेला यानी कि स्मार्ट सिटी को, और आज बात करेंगे इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। तो 1,64,000 की आती है, अगर सब्सिडी के बिना अगर बात करूँ यानी कि कट करके, तो ये गाड़ी का प्राइस आ जाएगी 1,36,000 सेंट्रल एंड स्टेट सब्सिडी को कट करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1,36,000 में आपको मिलेगी चेतक ईवी, और सिंगल वेरियंट अभी फिलहाल के लिए आ रही है। तो आज बात करेंगे इस चेतक, जो कि एक ब्रांड पहले से आ रही थी और अभी ईवी के रूप में आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये इसका ब्लैक कलर वाली गाड़ी, और आपको मिलेगी 6 कलर ऑप्शन के साथ, वेदर के साथ गाड़ी ब्लैक काफी मस्त लग रही है देखने में। तो इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिल जा रही है 1,36,000 में आपको बता दूं। तो चलिए भाई देखते हैं इसका फ्रंट का प्रोफाइल। चेतक भाई काफी मस्त लग रही है, क्योंकि इसका जो डिजाइन है आपको काफी स्लीक मिलेगी। देखिए भाई इतनी बल्की भी नहीं गाड़ी, स्लीक ट्रिम इसको बनाया गया है। एंड इसका हेडलाइट आप देखेंगे ना, देखिए आपको मिलेगी राउंड शेप की DRL, आपको मिलेगी DRL राउंड शेप में। और इसका जो हेडलाइट रखा गया है LED के साथ, यानी कि हाई बीम लो बीम आपको मिलेगी LED में। एंड चेतक यहाँ पे एक ब्रांडिंग जैसे कि इसके सेंटर में देख पा रहे हो, ठीक है। एंड फ्रंट पैनल, मैं आपके पैनल के बारे में बता दूँ, इसका जो पूरी पैनल यूज किया गया इस गाड़ी में वो पूरी तरह से मेटल बॉडी में है। यानी कि देखिए ये देखिए मेटल में है, ये मेटल में आपको मिल जा रही है, ठीक है ना। इस सारा कुछ आपको मिलेगी मेटल पार्ट में, सिवाय इसके फ्रंट गार्ड को छोड़ के, यानी कि इसका जो मड गार्ड है, इसका जो फ्रंट मडगार्ड आपको मिलेगी फाइबर आइटम में, बाकी सारा कुछ आपको मिलेगी बाय मेटल। ये भी फाइबर में है, ठीक है ना, ये फाइबर में है लेकिन ये मेटल में है। और इसका जो साइड पैनल है ये आपको मिलेगी मेटल के पार्ट में। तो डेंट वगैरह अगर पड़ेगी तो भाई आराम से आप इसको रिपेयर कर सकते हो, पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और आपको इसका इंडिकेटर दी जा रही है, देखिए ये भी आपको मिलेगी स्लिक स्टाइल में, और ये भी दी जा रही है आपको LED के साथ, देखिए कितनी लंबी आपको मिल जा रही है। विद आपको मिलेगी सिल्वर कलर की एसेंट इसके साइड में एंड इसके सेंटर में भी, ये देख लो चेतक यहाँ पे ब्रांडिंग जैसे कि देख पा रहे हो। एंड टायर की अगर मैं बात करूँ, ओके थोड़ा सा इसको टर्न कर लेते हैं, तो ये रहा इसका फ्रंट टायर। आपको मिलेगी फ्रंट में डिस्क, रियर वाली ड्रम है भाई, लेकिन फ्रंट में मिलेगी डिस्क का ऑप्शन। टायर आपको मिलेगी 12 इंच की यहाँ पे फ्रंट एंड रियर में भी। फ्रंट टायर में आपको मिलेगी यहाँ पे ऑलॉय का प्रोफाइल ये रखा गया ग्रे कलर में। कैलिपर आपको मिल जा रही है, क्योंकि इस गाड़ी को मिलेगी कॉम्बाइंड ब्रेकिंग का सिस्टम, ओके। एंड ये इसका सस्पेंशन, तो भाई इस गाड़ियों को मिल जाती है लीडिंग लिंक सस्पेंशन, जो कि आपके राइड को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाएगी। फ्रंट में यहाँ पे दी जा रही है, ओके। तो ये इसका फ्रंट का टायर। एंड अभी आते हैं अभी साइड की ओर, तो ये देख लो इसका साइड प्रोफाइल। कुछ भी ज़्यादा यहाँ पे तामझाम नहीं किया गया, पूरी सिंपल रखी गई है। देखिए यहाँ पे स्टिकरिंग का ज़्यादा यूज नहीं किया गया, गाड़ी को पूरी सिंपल तरीके से यहाँ पे उतारा गया है बजाज की तरफ से। और अगर मैं पैनल की बात करूँ, जैसे बता रहा था यहाँ पे आपको मिलेगी मेटल के पैनल, लेकिन यहाँ पे देखिए पूरी सिंपल है, कुछ भी यहाँ पे स्टिकरिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, पूरी सिंपल रखी गई है। और ये इसका फ्लोर बोर्ड, जो कि आपको मिलेगी डिसेंट साइज का, प्लस इसका मैट जैसे यहाँ पे देख पर मैट पड़ा हुआ है इसके ऊपर, और टेक्सचर यहाँ पे आपको मिल जा रही है। एंड ये आपको मिलेगी स्टॉक गार्ड के साथ ही, इसका जो मैट का पार्ट है। देन आते हैं इसके रियर प्रोफाइल पे, तो ये इसका रियर प्रोफाइल देख लो। थोड़ी बहुत आपको लगेगी यमा की फेसिनो टाइप की, फेसिनो देखेंगे ना उसका टेलर का प्रोफाइल, उसी से यहाँ पे चेतक आपको मिल जा रही है। लंबी सी यहाँ पे टेल लाइट इंटीग्रेट यहाँ पे रखा है इसका इंडिकेटर, इसके साथ ही सिल्वर कलर की यहाँ पे एसेंट, चेतक यहाँ पे स्टिकरिंग मिल जा रही है। सेम आपको यहाँ पे सिल्वर कलर की यहाँ पे एसेंट भी मिल जाए इसके बैक साइड में, ये देख लो, ठीक है। तो ये इसका रियर प्रोफाइल चेतक का। एंड रिफ्लेक्टर साइड में दी जा रही है 1 एंड 2 यहाँ पे। रियर टायर आपको मिलेगी सेम 12 इंच की टायर रखी गई है रियर में भी, मैं आपको जैसे बता चुका हूँ। एंड MRP टायर यहाँ पे ऑफर करती है कंपनी विथ ऑलवे का प्रोफाइल। तो ये इसका ड्रम ब्रेक का ऑप्शन, ठीक है, और 90-90-12 इंच की फ्रंट एंड रियर टायर रखी गई है इस गाड़ी में। सो स्कूटर को मिल जाती है मोनोशॉक के सस्पेंशन इसके रियर में। एंड ये इसका मोटर का पार्ट एंड चेतक के यहाँ पे एक लोगो मिल जा रही है, प्लस ये देख लो ये भी खुल जाती है। एक फुट पैक आपको यहाँ पे मिल जा रही है, और लेडीज फुट रेस्ट भी आपको मिलेगी इस स्कूटर में, जो आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ ही स्टॉक मिलेगी ये चीज़, ये देख लो। और ये इसका सेंटर स्टैंड,
ठीक है ओके। और अभी आते हैं सीट के ऊपर। 760 mm का इसका सीट हाइट है, जो कि आपको थोड़ी सी फ्रंट की ओर मिलेगी नैरो। एंड देखिए इसका जो राइडर सीट आपको मिलेगी चौड़ी, और इसका जो पिलर सीट ये भी आपको मिलेगी। देखिए कितनी आपको विड्थ मिलने वाली है। तो बैठने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप अपने फैमिली यानी कि हस्बैंड और वाइफ एंड एक छोटा सा बच्चा भी बीच में बैठ सकता है, उसी हिसाब से इसका सीट का लेंथ रखा गया है। तो ये देख लो मैं चेतक में, और मेरा जो हाइट है वो 6'3" और मेरा जो सिटिंग पोस्चर एंड देखिए यहाँ पे मैं आराम से बैठ पा रहा हूँ। हैंडल और मेरे नी के बीच में देखिए कितना डिफरेंस है, और देखिए सिटिंग पोस्चर इस टाइप का मिले। अगर आपका हाइट 6 फुट के ऊपर है तो भाई स्कूटर मेरे को छोटी लग रही है, मेरे को पता है, लेकिन एडजस्ट कर लेना क्योंकि मेरा हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है। देन ये इसका ग्रैब हैंडल आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी। देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे आपको इसमें मर्ज मिलेगी, तो ग्रैब करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाली है। आप साइड से ग्रैब कर सकते हो, इधर भी ग्रैब कर सकते हो। तो एक अलग डिज़ाइन में एक अलग शेप में आपको मिलेगी इसका ग्रैब हैंडल का देखिए पार्ट ओके। और स्टिचिंग भी यहाँ पे देखिए स्टिचिंग मिल जा रही है इसके सीट के ऊपर, ये देख लो स्टिचिंग को मिलेगी। देन फ्लोर बोर्ड के बारे में बात हो चुकी है, अभी बात करें स्टोरेज की कि गाड़ी में यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको कितना क्या मिलने वाले स्टोरेज यानी कि स्पेस। तो पहले अंडर सीट देख लेते हैं। सो देखिए भाई खुल गया इसका सीट और ये रहा इसका स्टोरेज। तो अंडर सीट स्टोरेज आपको मिलेगी 18 लीटर यानी कि 18 लीटर का इसका मिल रहा है अंडर सीट स्टोरेज, ये रही। और एक हाफ हेलमेट यहाँ पे आराम से आप रख सकते हो, उसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भी यहाँ पे रख पाओगे ठीक है। देन चार्जिंग पोर्ट मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा इसका चार्जिंग पोर्ट। सो ये रहा इसका चार्जिंग का जो पोर्ट है, ये देख लो। तो इसके बारे में बात करेंगे अभी, बात कर लें ठीक है, अभी बात कर लेते हैं। तो इस गाड़ियों को मिल जाते हैं 2.9 kWh की लिथियम आयन की बैटरी, जो कि इसके नीचे है ठीक है ना, वो डेटा चल नहीं है उसका, आप नहीं निकल सकते वैसे, तो वो फिक्स आपको मिलेगी। एंड IP67 द्वारा रेटेड है, यानी कि वेदर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ आपको मिलेगी इसका जो बैटरी का पूरा प्रोफाइल है। तो रेंज की अगर मैं बात करूँ तो ये गाड़ी का जो कंपनी क्लेम जो रेंज है वो है 108 किलोमीटर, यानी कि फुल चार्ज होने के बाद ये गाड़ी चलेगी 108 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ तो आप 90 मान के चलो, एक सिंगल चार्ज में ये गाड़ी चलेगी। और चार्जिंग टाइम लेती है 4 घंटे का समय फुल चार्ज होने में। और इस गाड़ी में आपको मिलेगी फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन। सो ये इसका चार्जर का पार्ट आपको पूरी तरह से दिखा दूँ, भाई खोलना इसको थोड़ा सा। तो देख लो यहाँ पे आपको मिलेगी एक इंडिकेटर का पूरा प्रोफाइल, यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जिंग हो रही नहीं हो रही या फिर कुछ फॉल्ट आ रहा है। उसके साथ आपको मिलेगी यहाँ पे 5 एम्पीयर का एक सॉकेट, एंड ये रहा इसका फास्ट चार्जिंग का सॉकेट, ये आपको मिलेगी 15 एम्पीयर का। अगर आपके घर में आर्थिंग वगैरह सही से है तो ही चार्ज करना भाई, इसके फास्ट चार्जिंग का जो ऑप्शन आप ट्राई करना, मना मत करना ठीक है। तो फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको मिल जा रही है। तो ये रहा इसका नॉर्मल चार्जर, एंड ये रहा इसका एक फास्ट चार्जर का सॉकेट जो कि आपको मिली 15 एम्पीयर का, और ये है इसका 5 एम्पीयर का सॉकेट ठीक है ना। तो चार्जर जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, अभी रखते हैं इसको अंदर, भाई अंदर रख लेना। सो स्टोरेज के बारे में आपको बता रहा था, लेकिन बीच में आपको चार्जिंग को लेके बताना पड़ा, लेकिन अभी फिर से आ जाते हैं स्टोरेज के ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने देखा इसका अंडर सीट स्टोरेज आपको मिलेगी 18 लीटर के अंदर, और स्टोरेज यहाँ पे दी जा रही है जो कि यहाँ पे है, और यहाँ पे मिलेगी 4 लीटर का स्टोरेज ना, मैं देख लो। तो 4 लीटर का स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल जा रही है इससे चेट तक ईवी में, विथ आपको मिलेगी चार्जिंग के लिए एक USB का पोर्ट यहाँ पे देख लो। तो अगर जनरल देखा जाए तो इस गाड़ी का जो ये जो स्पेस आप यूज कर सकते हो, यानी कि इसका कैसे जो चार्जर जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, एंड आप अपना मोबाइल यहाँ पे डाल के चार्ज में लगा सकते हो, एंड इसका जो टूल किट है वो यहाँ पे रख सकते हो। देन 2413 का यहाँ पे एक ब्रांडिंग मिल जा रही है, एंड सिल्वर कलर यहाँ पे एसेंट देख लो भाई, एंड चेतक का एक लोगो भी इसके सीट के ठीक देख लो यहाँ पे मिल जा रही है। सो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे इसका लगेज हुक कहाँ पे है, क्योंकि स्कूटर है तो लगेज हुक होना चाहिए, कहाँ पे है? ये जो लोगो मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन यही है इसका लगेज हुक। देखिए कैसे ये खुलती है, up to 3 kg का यहाँ पे लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको मिल जा रही है इसके लगेज हुक में, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया मैक्सिमम। तो लोगो के साथ आपको मिलेगी इसका लगेज हुक का फीचर, जो कि काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे मर्ज किया गया है। सो इससे भी का जो मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस की वो है इसका स्विचेस वगैरह, मैं देख लो काफी अच्छी तरह से यहाँ पे दिया गया है, क्लासी टाइप की रखी गई है, और बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगी फंक्शन के साथ। यानी कि ये जो देख पा रहे जो स्विच, इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये खुल जाती है, ये देख लो देखिए ठीक है। डबल प्रेस करेंगे तो इसका सीट ओपन हो जाएगा, एंड ये इसका रिवर्स का जो है स्विच, डी यानी कि ड्राइव मोड का स्विच,
सो ये रहा इसका एम यानी कि मेनू। आप यहाँ पे इसका जो क्लस्टर का एरिया है ना, यहाँ पे इसका फंक्शन कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको आगे दिखा दूंगा। यानी इंडिकेटर यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, इससे आपको मिल जाती है लाइट के स्विचेस यानी हाई बीम लो बीम का। यहाँ पे लाइट का स्विच, इंडिकेटर, हॉर्न, ये जो स्विच आप देख पा रहे हो ये इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का जो स्विच है। यहाँ से आप अपना जो है कॉल वगैरह इसमें कर सकते हो, काट भी सकते हो। सो अभी आते हैं क्लस्टर को भी, जो कि आपको राउंड शेप में विथ यहाँ पे भी सेम ऐसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सिल्वर कलर की। तो स्टार्ट कैसे करना है, तो की कहाँ है भाई और की कहाँ को इंसर्ट करना है? तो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपको मिलेगी जैसे कि आपको मिलती है ना कार वगैरह में इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच, उसी टाइप की यहाँ पे एक के मिल जा रही है ये स्विच। और ये देख लो इसका की, चेतक का लोगो जैसे कि आपको मिल जा रहा है, देखिए लोगो लोगो के हिसाब से उसी शेप में आपको मिलेगी इसका की, ये देखो। तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और आपको मिलेगी बस एक ही स्विच यहाँ पे, की अगर इसके पास रहेगी तो गाड़ी स्टार्ट होगी, लॉक होगी, सब कुछ होने वाली। लेकिन अगर एक मीटर के डिस्टेंस पे गाड़ी चली, आई मीन इसका जो की चली जाएगी, तो ये गाड़ी कुछ भी फंक्शन नहीं करेगी। तो देखो भाई अभी हम आ चुके हैं एक मीटर के डिस्टेंस में, तो भाई थोड़ा सा स्टार्ट करना हो रही है कि नहीं हो रही देख लेते। देखिए भाई नहीं हो रही स्टार्ट, क्लस्टर देखिए स्टार्ट नहीं हो रहा अभी। देखिए भाई अभी स्टार्ट करना, देखिए अभी भी नहीं हो रही है। और अभी देखिए अभी हो गई स्टार्ट। तो डिस्टेंस भाई देखिए आपको इतना रखना पड़ेगा, ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि ये सेफ्टी के साथ काफ़ी अच्छा खासा फीचर दी जा रही है भाई इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में। तो एक बार अगर इसको आप प्रेस करेंगे भाई, थोड़ा स्टार्ट करना फिर से इसको बंद करके, तो दो बार प्रेस करेंगे तो बंद हो जाती है, एक बार प्रेस करेंगे क्या होगा, देखिए स्टार्ट हो गई। एक बार प्रेस करेंगे स्टार्ट हो जाती है, डबल प्रेस करेंगे बंद हो जाएगी। और लॉक कैसे करना है, तो देखिए अगर आप इसको पूरा प्रेस करके रखेंगे, अभी देखिए हैंडल देखिए यहाँ पे ओपन है, ठीक है ना। अभी देखिए इसको मैं प्रेस करके रखता हूँ, आवाज़ हुई और गाड़ी हो गया लॉक, हैंडल लॉक हो गया। देखिए तो मल्टी फंक्शन यानी कि एक ही स्विच आपको मिल जा रही है ये वाली, जिसके साथ आप इसको ऑन कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, इसको ऑफ भी कर सकते हो। बाकी ये रहा इसका की, ये देख लो है ना काफ़ी खूबसूरत। सो अभी बात करते हैं इसके स्पीड की, तो गाड़ी का जो मैक्सिमम जो स्पीड है वो है 70 किलोमीटर पर आर की। और इसका क्लस्टर भी ऑन करके आपको दिखा दूँ, और ये इसका क्लस्टर अभी फिलहाल दिखा रही है 60 किलोमीटर का रेंज और स्पीड यहाँ पे। तो आपको मिलेगी फुल्ली डिजिटल वाली यहाँ पे क्लस्टर, जो कि आपको उनके राउंड शेप में, बैटरी स्टार्टर यहाँ पे दिखा रही है, ऑडोमीटर यहाँ पे दिखा रहा है, एंड यहाँ पे जैसे कि न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको मिलेगी, न्यूट्रल वगैरह यहाँ पे शो कर रही है, और इंडिकेटर वगैरह इसके राउंड में यहाँ पे शो कर रही है, इसका जो वार्निंग साइन वगैरह ना यहाँ पे शो कर रही है, टाइम यहाँ पे हो गया, साइड स्टैंड इंडिकेटर यहाँ पे शो कर रही है जैसे कि अभी ऑन है साइड स्टैंड। और स्पीड जैसे मैं बता रहा था इस गाड़ी का जो यानी कि इसके इलेक्ट्रिक स्कूटर जो टॉप स्पीड है वो है 70 किलोमीटर पर आर की। तो आपको मिलेगी दो मोड यहाँ पे, इको एंड स्पोर्ट्स, देखिए यहाँ पे कैसे चेंज हो रही है, इको देन स्पोर्ट, और ड्राइव मोड में भी गाड़ी है, इसका ड्राइव मोड का बटन। तो आपको मिलेगी दो मोड, तो दो मोड के हिसाब से आप रेंज थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, यानी कि अगर आप चलाओगे स्पोर्ट्स मोड में तो आपको थोड़ी सी कम रेंज आपको मिलेगी, अगर आप चलाओगे इको मोड में तो आपको अच्छा खासा रेंज देने वाली है इलेक्ट्रिक स्कूटर, ठीक है। एंड चेतक जैसे मैं बता चुका हूँ एक लोगो यहाँ पे आपको दी जा रही है। तो आपको और एक चीज़ बता दूँ कि इसका जो मीटर का जो कंसोल है, यानी कि जो लाइट वगैरह जल रहा है, इसका जो बैटरी, तो इसका जो एनर्जी वो कहाँ से कंजप्शन करती है, तो इसके लिए इसका गाड़ी का बैटरी से कंजप्शन नहीं कर रही है, इसके लिए एक अलग बैटरी यहाँ पे आपको मिल जा रही है, ठीक है। इसके नीचे फ्लोर बोर्ड के नीचे आपको मिलेगी और एक एक्स्ट्रा बैटरी जिससे ये फंक्शन होती है, तो इसको गाड़ी के साथ कोई भी लिंकअप नहीं है, ये अलग से चलती है। एंड आपको मिलेगी ऑटो कटऑफ सेंसर, इसका जो इंडिकेटर का प्रोफाइल है, यानी कि आप टर्न करने के बाद इसका इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, आपको ऑफ करना नहीं पड़ेगा जब आप इसको ऑन करते हो ना, कभी कभी भूल जाते हैं ना इसीलिए। तो ये होगा इसका क्लस्टर का पूरा एरिया। एंड आपको मिलेगी मैट कलर की मिरर्स एंड एक ट्राई स्टेप, भाई ये स्टेप भी मेरे को लग रही है चेतक से, यानी कि इसका लोगो के हिसाब से बनाई गई है, इसका जो मिरर का पार्ट जैसे देख पा रहे हो, ठीक है। एंड इसका जो ग्रिप है इसके ऊपर आपको मिलेगी, देखिए चेतक का लोगो, तो लोगो हर एक जगह में, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे दी जा रही है, की भी आपको मिलेगी उसी शेप में, ये देख लो। तो बजाज ने पूरे अपने ईवी स्कूटर को आई मीन चेतक का लोगो के साथ भर दिया है हर एक जगह में। सो अगर आप डाउन हिल में गाड़ी को रख के जाते हो तो गाड़ी पीछे भागने का चांस होता है कि नहीं, तो आपको यहाँ पर मिलेगी एक लॉक का सिस्टम, ब्रेकिंग आप यहाँ पर लॉक कर सकते हो, ये देख लो, इसको आप प्रेस करना है आपको, देखिए आपको यहाँ पर प्रेस करना है, देन इसको आपको प्रेस करना है,
गाड़ी होगी लॉक, ठीक है, तो गाड़ी पीछे नहीं भागेगी, फिर होगी अनलॉक। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा फीचर दी जा रही है इससे ईवी यानी कि चेतक ईवी में। सो जैसे कि मैं आपको बता चुका इसका प्राइसिंग यानी कि 1,36,000 आपको आ जाएगी, यानी कि सब्सिडी वगैरह काट कूट करके मैं बता रहा हूँ, यानी कि कट कट करके, ठीक है ना। तो 1,36,000 में आपको मिलेगी बजाज की चेतक ईवी और एक स्लिक ट्रिम डिज़ाइन में आपको मिलेगी, प्लस आपको एलईडी का फीचर, अच्छा खासा स्पेस एंड फीचर भी आपको काफ़ी अच्छी खासी दी जा रही है। अभी बात करते हैं वारंटी की, तो इस स्कूटर आपको मिलेगी 3 साल की मोटर एंड बैटरी की वारंटी। मोटर लगी हुई है इसमें 4.2 किलोवाट की और वारंटी भी आपको मिलेगी 3 साल की, ठीक है। तो यही था भाई आज का वीडियो इस न्यू चेतक ईवी के बारे में। और अभी राहुल आ चुकी है, तो इनका नंबर आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जिनको चाहिए चेतक ईवी, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।